मंगलकारी हो, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ. फ्रेंड्स, द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल मिनिस्टर श्री कलराज मिश्रा जी हैज़ टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट एमएसएमई इंडस्ट्री ड्यूरिंग द लास्ट 2.5 ईयर्स. दिस हैज हेल्प दिस सेक्टर to remain competitive and produce new desirable quality products that sustain the changing and demanding needs of the users and the marketplace. I extend a warm welcome to the Honorable Minister, who will tell you more details about the achievements of his ministry. I also welcome Shri K.K. Jalan, Secretary, Shri Surendranath Tripathi, Additional Secretary and Development Commissioner, MSME. Friends, as usual, after the opening remarks, we will take questions. Kindly follow the points of order and keep your mobiles on a switch off or silent mode. Over to the Honorable Minister. सत्रह का प्रारंभ, दोनों के अवसर पर आप सब लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना और बधाई. मित्रों, मैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय की दृष्टि से जब से मंत्रालय संभाला हूँ, तब से प्रमुख चीजें क्या हुई बीच बीच में जरूर बताता रहा, लेकिन इधर कुछ प्रमुख इनिशिएटिव लिए गए जिसको आपके बीच में रखना बहुत आवश्यक समझ रहा था, इसलिए आज आप लोगों को यहाँ बुलाकर बताना जरूरी समझा. चूँकि साल का अंत है और कुछ चीज़ें हमने ली. अभी लुधियाना में 18 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम था और उसमें पूरे देश भर के उद्यमी थे जो एमएसएमई से संबंधित थे. इनको एक्सीलेंस अवार्ड तो दिया गया, लेकिन साथ ही साथ जो दो प्रमुख हमारी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, उसको लॉन्च किया गया. आपको जैसा कि जानकारी है कि वित्त मंत्रालय ने, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में एससी एसटी हब की बात घोषित की थी. ये इसको हमारे मंत्रालय ने लिया और एससी एसटी हब की स्थापना करते हुए अधिक से अधिक एससी एसटी को हम लाभान्वित कर सकें, इस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ जिसको लॉन्च किया प्रधानमंत्री जी ने लुधियाना में. और एससी एसटी हब के लिए 490 करोड़ रुपया भी प्रावधानित है. इसके लिए हमने हाई पावर कमेटी भी बनाई है, वो मेरे अध्यक्षता में है, और एक एडवाइजरी बोर्ड के नाते है, वो डिक्की के चेयरमैन हैं श्री मिलिंद कुमले जी, उनको उसका अध्यक्ष बनाया है, उसकी मीटिंग्स भी हो चुकी है. इसमें कोशिश ये है कि जितना ट्राइबल एरिया है, एससी डोमिनेटेड एरिया है, इन सारे क्षेत्रों में उनके बीच में रहने वालों लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए छोटे छोटे उद्योग प्रारंभ करने के दृष्टि से उनको आगे बढ़ाया जाए. इसके लिए मीटिंग्स में भी किया गया. जब से प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया, उसके बाद 2 महीने के अंदर ये कार्य किया है.
दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने एक पहले घोषणा की थी जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट की। जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक सर्टिफिकेशन का स्वरूप है, मैं समझता हूँ दुनिया में ये अद्भुत प्रकार का है। वो जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको एक तरह से प्रोडक्ट को सर्टिफाई करेगा किस स्तर का मैन्युफैक्चरिंग, और उसको नाम दिया है जेड अथॉरिटी मॉडल सर्टिफिकेशन, जेड मॉडल अथॉरिटी सर्टिफिकेशन। और उस सर्टिफिकेशन के आधार पर इसके 5 भाग हैं, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है और प्लेटिनम है। इसके अंतर्गत हम सर्टिफाई भी करेंगे कि किस स्तर का है, क्वालिटी ठीक हो इसको भी देखेंगे, और साथ ही साथ जिसकी जिस स्तर की स्थिति रहेगी उसके अनुसार उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा। जो इसकी विशेषता है, विशेषता यही है कि उनको सर्टिफिकेशन के आधार पर फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्राप्त होगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जैसे मैंने कहा कि फ्री ऑफ पोल्यूशन, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इस स्तर के स्किल्ड मैन पावर उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगे और उसके आधार पर चलेंगे तो ये जेड सर्टिफिकेशन का एक रूप बन सकता है। इसके पैरामीटर्स भी सुनिश्चित किए गए हैं, 50 पैरामीटर्स हैं, 30 पैरामीटर्स एमएसएमई के लिए आवश्यक है। ये सारी चीज़ें डिटेल हैं, इसको भी प्रधानमंत्री जी ने वहाँ लॉन्च किया था, और इसको विशेष रूप से जो देख रही है एजेंसी, हिंदुस्तान की वह एजेंसी देख रही है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI, QCI के माध्यम से जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट इसको हम संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी ढंग से दो चीजों को तो प्रधानमंत्री जी ने लुधियाना में लॉन्च किया, ये फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई प्रधानमंत्री एमएसएमई के इस प्रकार की स्कीम को लॉन्च किया है। हमने कुछ चीजें और ली जो इम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, एंटरप्रेन्योरशिप अधिक से अधिक बढ़े इस दृष्टि से प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पहले से चल रहा था, इसमें प्रोसीजरल बड़ी दिक्कतें रहा करती थी, जो लोग अप्लाई करते थे जल्दी परेशानी जाती थी उनको। इसको ऑनलाइन किया और ऑनलाइन करने का फायदा ही हुआ है कि 3 इसके प्रमुख केंद्र बिंदु हैं, KVIC है, KVIB है और DIC जिले स्तर की। इन लोगों के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगा 3 स्थान पर, और हर महीने इन एप्लीकेशन जो आए हुए हैं टास्क फोर्स के माध्यम से उनको चयन किया जाएगा। जिले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका चेयरमैन होता है, पहले जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फुर्सत मिलती थी तब करता था, इसलिए वो चीज ढंग से चल नहीं पाती थी। इस बार मैंडेटरी कर दिया है कि महीने में एक बार इसकी मीटिंग होगी ही। ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गए हैं, सारी चीजों को क्वेरी करके स्वीकार कर लिया गया है, टास्क फोर्स में उसको स्वीकार कर लिया जाएगा और बैंक को उसको बैंक हम स्वीकार करके कमेटी दे देगी, बैंक उसको सेंक्शन करेगा। उसके लिए हमने जो मार्जिन मनी है यहाँ से जाता है डायरेक्ट जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उसको हम बैंक में भेज देंगे, ताकि जो लाभार्थी होगा, जो बैंक जिसको सेंक्शन करेगा, जिस बैंक से होगा उसको प्राप्त होता जाएगा लोन। तो PMGP की सारी चीज़ों को ऑनलाइन किया है, और ऑनलाइन करने का लाभ ये हुआ है कि हमारा ये अप्लाई करने वालों की संख्या बढ़ी है, बैंक सेंक्शन भी कर रहा है, और उस हिसाब से लोगों को सुविधा प्राप्त हुई है। तो इसके कारण उद्यमी भी हमें प्राप्त हुआ, और एक उद्यमी के साथ 4
अगर उसके उसमें लगते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी ये सुविधा प्राप्त हुई है। तो ऑनलाइन करने के कारण इसके बहुत फायदे हुए हैं। खादी के अंदर जो कार्य हुआ है आपको जानकारी है, प्रधानमंत्री जी ने उससे बड़ी रुचि ली है और रुचि के आधार पर खादी को इसको भी ऑनलाइन भी किया है और खादी को खादी फॉर फैशन, पहले खादी फॉर नेशन अब खादी फॉर फैशन, इस बात को सामने रखते हुए उसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो, डिजाइनिंग हो, इसके लिए भी हमने सलाहकार के रूप में रखा और हम ग्लोबल मार्केट में भी खादी के प्रोडक्ट को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, मार्केटिंग इसकी अच्छी हो, ये हमारी कोशिश है ताकि लोग कपड़ा खादी का ढंग से खरीद सकें। खादी केवल नो प्रॉफिट नो लॉस वाली जो बात थी उसको न करते हुए अधिक आकर्षक जो नई पीढ़ी इसको ले और अधिक से अधिक मार्केट में जा सके, इसके लिए फ्रेंचाइजी का भी किया है ताकि अधिक से अधिक आउटलेट्स भी प्राप्त हों और खादी लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। एक जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ की है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत और रजिस्ट्रेशन के मामले में बड़ी उद्यमियों को बड़ी कठिनाई जाती थी, तो हम लोगों ने विभिन्न रिकमेंडेशंस के आधार पर भी और पिछले बार एक कामत कमेटी बनी थी एमएसएमई के बारे में विचार करने के लिए, तो उन्होंने भी सुझाव दिया था कि रजिस्ट्रेशन एक पेज का होना चाहिए, एक पेज के में क्वेरी करनी चाहिए, पॉइंट सुझाव सेलेक्ट करना चाहिए ताकि उद्यमियों को कठिनाई न जाए। अभी तक लोग परेशान होते थे, महीनों लग जाता था, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता था, तो हमारे लोगों ने सब लोगों ने मिल करके उसको ऑनलाइन किया, वन पेज का किया, 20 पॉइंट्स और उद्योग आधार मेमोरेंडम वेब पोर्टल क्रिएट किया। 20 पॉइंट्स भर देने के पश्चात स्वयं बिना किसी डॉक्यूमेंट के और बिना किसी एक पैसा खर्च किए हुए ये 5 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि लगभग साल भर हो गए हैं, इस समय तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 22,34,777, 22,34,717 और उद्योग आधार मेमोरेंडम के कारण उद्यमियों को जो रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी परेशानी हुआ करती थी उसका उसमें बड़ी सुविधा हुई है और अधिकाधिक पूरे देश के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ है और लगातार बढ़ता जा रहा है, रोज कुछ न कुछ बढ़ोतरी हो रही है। इसी के साथ साथ हमने एमएसएमई डाटा बैंक भी जोड़ा है, एमएसएमई डाटा बैंक, और एमएसएमई डाटा बैंक से उसमें जो जिस भी प्रकार माइक्रो है स्मॉल है कौन सी स्कीम्स लेने चाहते हैं उस प्रकार का उनका डाटा आता है और डाटा आने वो बाइफरकेट भी होता है कि इतने माइक्रो है इतना स्मॉल है, ये इस स्कीम्स का लाभ उठा रहे हैं, तो ये भी ऑनलाइन हुआ है, इसके कारण भी लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है और जो स्कीम्स का लाभ नहीं प्राप्त कर पाते थे इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। एक टेक्नोलॉजिकल सेंटर सिस्टम प्रोग्राम है हमारे यहाँ, उस टेक्नोलॉजिकल सेंटर सिस्टम प्रोग्राम के अंदर जिसको पहले टूल रूम कहा जाता था, पहले 18 टूल रूम्स थे जगह जगह पूरे देश भर में उसे स्थापित किया गया था, इस बार विश्व बैंक के सहयोग के आधार पर लगभग 2000 करोड़ रुपए के सहयोग के माध्यम से उसको हमने पूरे देश भर में और बढ़ोतरी दी है, जिसमें 10 टेक्नोलॉजिकल सेंटर शिलान्यास हो गया है, उसको ओके कर दिया है और क्रमशः बनना शुरू होगा। इससे फायदा ये होगा कि जो विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी है इस सेंटर में लगेगी और उस क्षेत्र में जिस प्रकार का उद्योग है उस प्रकार के उद्योग को प्रायोरिटी देते हुए
उससे संबंधित स्किल डेवलपमेंट जैसा कार्य हो सके, हैंड ऑन ट्रेनिंग हो सके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ सके, ये सारी चीज़ हम कर रहे हैं। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इन्हीं वर्षों में 10 स्थानों पर 10 जो नया है, नए का 10 स्थानों का शिलान्यास हो गया है, और भी इसको हम जल्दी करने वाले हैं। तो ये लगातार बनता जा रहा है, और इस प्रौद्योगिकी से एमएसएमई को बहुत लाभ होगा, और अधिक से अधिक इसमें जो लोग ट्रेंड होंगे, लगभग प्रतिवर्ष 2 लाख से ज़्यादा हो रहे हैं, इसके कारण और भी उसमें बढ़ोतरी होगी। और मेरा ऐसा ख्याल है कि 1 लाख और ये जो अभी 10 तैयार हो जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, तो इसमें बढ़ जाएंगे, और इसमें उद्यमी भी होंगे और इंडस्ट्री के अंदर इनको लगाया भी जा सकेगा। जो नई चीज और ली है, एक फाइनेंस फैसिलिटेशन सेंटर है, NSIC के माध्यम से है। हम छोटे उद्यमियों को इस दृष्टि से जो लोन था, लोन देने में सुविधा प्रदान करते थे, इसके कारण हम पर्याप्त लोन दे सकेंगे, जो फाइनेंस फैसिलिटेशन सेंटर सुनिश्चित किया है। ये भी इसी वर्ष इसको लॉन्च किया है, तो इसका लाभ छोटे उद्यमियों को प्राप्त होगा। कायर बोर्ड के अंदर भी, कायर बोर्ड जो कायर इंडस्ट्री है, इसके द्वारा जो एक्सपोर्ट हुआ करते थे पिछले समय, लगभग 1500 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था, और इस बार जो एक्सपोर्ट हुआ है 1600 करोड़ का हुआ है, इतनी बढ़ोतरी हुई है। और कायर इंडस्ट्री, कायर प्रोडक्ट्स जो हैं, इनको पूरे देश भर में, अभी तक तो दक्षिण का ही क्षेत्र रहता था, पूरे देश भर में ही जाए, ये हमारा प्रयास है। हमने लखनऊ में भी एक शोरूम खोल रहे हैं, वाराणसी में भी कर रहे हैं, और भी प्रमुख केंद्रों में शोरूम बने, इसका भी कायर की दृष्टि से हमारा प्रयास है। एक जो ज़्यादा इनिशिएटिव लिया है, जिसको हमने जोर देकर करने की कोशिश की है, पुरानी छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री रहा करती थी, जो ट्रेडिशन इंडस्ट्री रहा करती थी, वो ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो एक स्फूर्ति योजना हमारे यहाँ है। ये स्कीम फॉर एक स्फूर्ति की है, स्कीम फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, स्फूर्ति। तो उसके लिए स्फूर्ति योजना के अंतर्गत जो ट्रेडिशनल यूनिट्स हैं, हेरिटेज यूनिट्स हैं, उनका क्लस्टर है, उस क्लस्टर के आधार पर हम उनको सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और इसमें लगभग इस बार हम लोगों ने 54,091 आर्टिजन्स को लाभ पहुंचाया है, और 118.63 करोड़ उसके अंदर लागत हुआ है, और 60 क्लस्टर्स इसके अंतर्गत लिया है। इसी ढंग से हमने एस्पायर स्कीम भी ली है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एस्पायर। इसमें हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स भी, लाइवलीहुड इंक्यूबेशन सेंटर्स और टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, LBI और TBI, इसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। इसका परिणाम ये होगा कि छोटे छोटे जो क्लास 8th पास हैं, 10th पास हैं, ITI हैं, ऐसे लोगों को हैंड ऑन ट्रेनिंग देकर, ये छोटी मशीन है वो खरीद भी सकते हैं, 4 लोगों को लगा भी सकते हैं, छोटी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ऐसे लोगों को तैयार करने की योजना बनाई है। हमारी कोशिश है कि हम पूरे देश भर में इसका विस्तार दें। इस समय लगभग जब से इसको शुरू किया है, लगभग 30 तक का कुछ मंत्रालय की तरफ से, कुछ पीपी मोड की तरफ से इसको आगे बढ़ाया है, और पीपी मोड से और भी इसको ले जाने का है, 100 तक इसको पहुँचाया, मैंने लगभग सारी चीज़ें हो गई हैं, और लगातार इसकी बढ़ोतरी हो, ये हमारा प्रयास है। कम पैसे का है, पीपी मोड के आधार पर करेंगे तो लगभग 2 करोड़ का इसमें खर्चा है, 2 करोड़ के अंदर एक स्थान पर 6-6 महीने की ट्रेनिंग,
और जिसमें 100-100 लोग तक कर सकते हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं कई स्थान पर, उसमें कई अपने घर में मशीन लेकर के उद्यमी भी हो गए हैं, 3-4 लोगों को लगा लिया है और कई इंडस्ट्री में भी लगाए जा रहे हैं। तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप दोनों की स्थिति इसके कारण बन रही है। एस्पायर स्कीम है, स्फूर्ति स्कीम है, इससे ज़्यादातर हमने चीज़ों को ऑनलाइन किया है, ई पहल हमारी ज़्यादा है, चाहे स्फूर्ति का हो, चाहे कायर का हो, चाहे खादी का हो, सब में क्या है। और स्वयं एमएसएमई के लिए एक ऐप हमने प्रारंभ किया है जो डीसी ऑफिस की तरफ से है, माई एमएसएमई, उसके अंदर सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। इसी ढंग से क्वायर के लिए भी एक ऐप है, माई क्वायर, ये इस ढंग से चीज़ों को अधिक से अधिक डिजिटाइज करने का प्रयत्न किया गया है ताकि लोगों को सारी जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ कोई कैडर नहीं था अभी तक, इतने वर्षों के अंदर हमारे विकास आयुक्त कार्यालय में जो काम करते थे अधिकारी, ऊपर स्तर के अधिकारी, हाईली एजुकेटेड, टेक्नोलॉजिकली एजुकेटेड ऐसे लोग भी बिना किसी कैडर के थे। ये पहली बार हुआ, अभी पिछले महीने ही इसका एक कैडर प्रदान किया गया है। वह कैडर है इंडिया इंटरप्राइज डेवलपमेंट सर्विसेज, IEDS, ये सर्विस है। और इसके कारण बड़ा लाभ हुआ है, अधिकारियों को लगा कि हमें कैडर प्राप्त हो गया और उसके अनुसार उनका प्रमोशन और आगे बढ़ने का ये क्रम चला है, तो लोगों को काफी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। अभी जैसे डीमोनेटाइजेशन के बाद ये डिजिटल अधिक से अधिक चीज़ें हों, कैशलेस हों, लेस कैश हों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मिनिस्ट्री में प्रारंभ से ही इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था और सामान्य तौर पर 99% पहले एकदम कैशलेस ही कह सकते हैं आप, पूरा डिजिटाइज था। इस समय जो अभियान चला गया इसमें लगभग 1600 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम कैंप्स लगाए गए लोगों को सिखाने के लिए और 27,000 से ज़्यादा लोगों को इस मामले में ट्रेंड किया और लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। तो ये अभियान भी इस दिशा में चल रहा है। सब मिलाकर ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसको मंत्रालय ने लिया है और छोटे उद्यमी इससे लाभान्वित हो सकें, अधिक से अधिक उनको लाभ प्रदान कर सकें, स्कीम्स को अधिक से अधिक स्थानों पर पहुँचा सकें, ये करने का प्रयास किया है। यही सोचकर आपके बीच में चाहा था कि इस बात को रखें, आपके सामने ये बात आई। आपके पास पेपर भी हैं, एक प्रेस की दृष्टि से, और दूसरा पूरी स्कीम्स के बारे में भी आपके उसमें अटैच है, उसको आप पढ़कर देख सकते हैं। कोई बात हो तो या थैंक यू सर। लेट्स स्टार्ट विद 136। या सर, आपने कहा कि SC ST के लिए जो आपने स्वावलंबी बनाने के लिए स्कीम लाया है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी या फिर उसी जगह होगा जहां SC ST लोग रहते हैं? क्या आपको लगता है कि जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, आप जो स्कीम लगाएंगे वहां पर उसकी सुरक्षा व्यवस्था हो जाए, क्योंकि वो सारे जगह जो हैं वो नक्सल प्रभावित एरिया है? देखिए, एक तो हम अवेयरनेस जागृत कर रहे हैं और अवेयरनेस जागृत, पहले अवेयरनेस की दृष्टि से ही जगह जगह कार्यक्रम सुनिश्चित कर रहे हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें ये चीज़ लाने का हमारा प्रयास है। और साथ ही साथ जो हमारी विभिन्न प्रकार की स्कीम्स हैं जो इंडस्ट्री को प्रारंभ करने की दृष्टि से छोटी छोटी, और उसके लिए जो हम SC ST को सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, वो उस माध्यम से भी उनको धन हम प्रदान करेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो महिलाओं के लिए और SC ST के लिए हमने छोटी विलेज इंडस्ट्री लगाने के लिए, जनरल के लिए जहाँ 15% हम शहर में देते हैं, वहाँ SC ST के लिए 25% सब्सिडी देंगे, और गांव में उनको 35% देंगे। जनरल के लिए 25% गांव में है, शहर में 15%, और SC ST के लिए महिलाओं के लिए 25% शहर में है और 35% गांव में है। तो ये सुविधाएं, इन स्कीम्स का हम लाभ उनको प्रदान करेंगे। साथ ही साथ जो प्रोड्यूस करेंगे,
उस दृष्टि से भी जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसके अंदर 4% का ये खरीदारी उनकी हो ही, इस प्रकार का भी हमने उसको जोड़ दिया है, तो ये सुविधा है उनको, ये प्रदान की जाएगी। अवेयरनेस की दृष्टि से, फेयर की दृष्टि से, एग्जीबिशन की दृष्टि से अधिक लोग आ सकें, इसके लिए भी हम अपनी विभिन्न प्रकार के योजनाओं के माध्यम से हम पैसा खर्च करेंगे, उनको देंगे। मंत्री जी, हमारा आपसे सवाल है कि आपने कहा कि आपके जो प्रोडक्ट हैं उनकी फ्रेंचाइज पूरे भारत में दी जाएगी। हम देखते हैं कि जो खादी का सामान है, चाहे खादी का साबुन हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कोई चीज़ हो, इसकी एक डिमांड पूरे देश और विदेशों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो भारत सरकार काम कर रही है उसमें उस तरीके से नई टेक्नोलॉजी नहीं ला रही है जैसे फेम इंडिया वगैरह कंपनियां अपने प्रोडक्ट को सामने ला रही हैं। दूसरी बात, आपने कही कैशलेस की बात, तो कल प्रधानमंत्री ने रुमाल खरीद करके ये कर दी कि कैशलेस जो है आपका डिपार्टमेंट इसमें काम कर रहा है, तो आपको क्या कहना है? ऐसा है, आपने जो प्रश्न पूछा है ये दुर्दशा रही है जो आपने बताया है। ये फ्रेंचाइजी पहले नहीं थी, ये पहली बार हमने अधिक से अधिक आउटलेट खुले ये पहली बार किया है ताकि रीच उसकी ज़्यादा हो, दूसरा आकर्षक हो, गुणवत्तायुक्त तो हो। इसके लिए हमने अलग से डिज़ाइनिंग के हिसाब से भी, फैशन के हिसाब से भी, हमने कंसल्टेंट भी रखे हैं और उसको हम जगह जगह कुछ कर भी रहे हैं, तो ताकि लोग उसको ले सके, इसको अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके, ये हमारा प्रयास है। इसके लिए जैसे कुछ नई चीज़ हमने की, टी शर्ट है, डेनिम खादी है, फिर हमने पश्मीना वगैरह को भी इसमें जोड़ा है, ये सारी चीज़ें किया है। जो प्रोडक्ट्स हैं जगह जगह के, अब हमने एक भी कोशिश की पूरे देश भर के, बीच बीच में हम यहाँ छोटे एग्जीबिशन भी लगा रहे हैं, दिल्ली में आकर एक बार यहाँ से फिर बाकी बाहर जाए। पहली बार आज़ादी के बाद, पहली बार पिछले सितंबर के महीने में श्रीनगर में पहली बार खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित एग्जीबिशन लगा था, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हमारी कोशिश है कि हम पूरे देश भर में जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारा माल है, जिस तरीके से लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं, हम जगह जगह एग्जीबिशंस के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उनके पास दे सकें कोशिश कर रहे हैं। कैशलेस के दृष्टि से कल प्रधानमंत्री जी क्या, और हमारे यहाँ चल रहा है, लगातार काम चल रहा है। मंत्री जी, मैं मनोहर मनोज, इकोनॉमी इंडिया से। मंत्री जी, मेरा ये सवाल है कि आपका जो मंत्रालय है वो भारत सरकार के जो 2-3 महत्वाकांक्षी जो मिशन और अभियान चलाए गए, मेक इन इंडिया, आपका स्टैंड अप इंडिया और स्किल इंडिया, ये तीनों जो है डायरेक्टली आपके मंत्रालय के कहीं ना कहीं जद में आता है। तो मेक इन इंडिया के तहत, जिसको कि अभी सरकार पूरे तौर पर रिव्यू नहीं कर पाई है, लेकिन आपका मंत्रालय इस मेक इन इंडिया के तहत कितना ज़्यादा अब तक इन्वेस्टमेंट ले आ पाया है, और 22 लाख जो आपने उद्योग आधार जो प्रदान किए हैं, आप हालांकि कह रहे हैं कि 99% आपका पहले से ही डिजिटल पेमेंट था, लेकिन उन 22 लाख उद्यमियों का जो कि 500 से 2000 की खरीदारी के बीच में आते हैं, नोटबंदी से वो ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जो कि छोटे वाले और एकदम बड़े वाले वो ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए, लेकिन मीडियम वाले जो है जरूर प्रभावित हुए हैं। तो आपका असेसमेंट क्या है कि आपके इस मंत्रालय के तहत उन 22 लाख उद्यमियों के रोजगार और बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, और मेक इन इंडिया के तहत आपका मंत्रालय कितना ज़्यादा स्ट्राइड और कदम उठा पाया? देखिए, आपने दो प्रश्न पूछे हैं, एक तो हमारे मंत्रालय के ये डिजिटल उसके बारे में किया है, और एक आपने कहा है मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट। एक तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेक इन इंडिया ये विशेष रूप से इन्वेस्टमेंट के बारे में है, और इन्वेस्टमेंट के दृष्टि से जो भी अभी भारत सरकार के तरफ से जगह जहाँ आ रही है वो लोग व्यवस्था करेंगे, लेकिन हमने पीपी मोड को ज़्यादा बढ़ावा दिया है, क्योंकि सूक्ष्म है तो सूक्ष्म में पैसा भी सूक्ष्म में लगता है। उस हिसाब से हमने कुछ कंपनी के साथ एमओयू किया है, वो काम कर भी रहे हैं, जैसे शमशन के साथ हमने किया है। शमशन ने हमारे लिए टेक्निकल जो लाइवलीहुड सेंटर जब भी आपको बताया, इन्होंने जगह जगह करना शुरू किया है, कम से कम 10 स्थानों पर उनका चालू पूरे देश भर में, और भी वो करने के लिए तत्पर हैं।
उनका ये भी कहना है कि जहाँ भी एनएसआईसी की तरफ से कुछ इस बार कार्यक्रम लिए जा रहे हैं वहाँ करने के तैयार हैं। उनका ये कहना है कि अगर इस पर ट्रेनिंग करने के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक जो भी इक्विपमेंट्स हैं, ट्रेनिंग करने के बाद जितने भी तैयार लोग होंगे सबको हम नौकरी प्रदान करेंगे। तो ये चालू हो गया है। पीपी मोड पर जो हमने कहा कि लाइवलीहुड और टीवीआई वगैरह का हम करने जा रहे हैं, तो हम अपने भी देश में कर रहे हैं, बाहर के देशों में कर रहे हैं। अफ्रीका में रवांडा में अभी हम गए थे, मैंने वहाँ एक LBI का हमने करवाया था, बहुत शानदार हुआ था। तो यहाँ पीपी मोड पर भी हम आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे उद्यमी आगे बढ़ें ये हमारी कोशिश है। उनके कम पैसा और निवेश की दृष्टि से भी, और दूसरा जो मुद्रा बैंक मुद्रा योजना चली हमारे यहाँ, मुद्रा योजना के अंदर हम सर्वाधिक बैंक के माध्यम से विदाउट थर्ड पार्टी गारंटी पैसा उनको दे रहे हैं, 10 लाख तक की है। अब ये एक तरह से MSME के स्कीम के अंतर्गत आता है, उसको लेकर के लोग काम कर रहे हैं। तीसरी स्किल इंडिया की बात आपने की, ये स्किल इंडिया ठीक है, डायरेक्टली हम भी जो इनक्यूबेशन सेंटर्स हैं या जो अभी हमने आपको टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम के बारे में बताया, इसमें हम स्किल डेवलपमेंट की कार्य कर रहे हैं, लेकिन हैंड ऑन ट्रेनिंग है हमारी, मशीनों पर ट्रेनिंग है, मशीनों पर ट्रेनिंग के साथ साथ उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। तो उस तरह की हमारी ट्रेनिंग चल रही है और उनको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक कैशलेस की बात हमने कही, ये कैशलेस हमने मंत्रालय के बारे में कहा कि हमारे जितने कर्मचारी हैं जितने अधिकारी हैं प्रारंभ से ही डिजिटल सारा काम चल रहा था उसे कर रहे हैं। बाकी के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह के हैं ये भी कैशलेस की योजना चलाएं, इसके लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसकी जिसका नंबर हमने आपको बताया है। ये ठीक है कि अभी तत्काल सारी चीज़ें पूर्ण हो जाएगी हम तो कोई गारंटी नहीं लेता है, लेकिन उस दिशा में हम बड़े प्रभावी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन के बाद कठिनाई थोड़ी बहुत गई है, लेकिन उसको भी व्यवस्थित तौर पर हम ठीक करवा लें ये प्रयास चल रहा है, लोग कर रहे हैं रुचि के साथ कर रहे हैं, तो उस दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है। प्लीज मंत्री जी, एक सवाल है, नोटबंदी के बाद जहां विपक्ष ने हाँ बोलिए बोलिए, मैं देख रहा हूँ। नोटबंदी के बाद जहाँ विपक्ष ने ये कहा कि छोटे मोटे जो उद्योग हैं वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं और लगभग कुछ छोटे मोटे उद्योग बंद भी हो गए हैं, जिससे लाखों की संख्या में मजदूरों का पलायन हुआ है, वो शहरों से गांवों की ओर गए हैं, उनके पास काम नहीं है, छोटे मोटे फैक्ट्रियों में ताले भी लगे हैं, तो क्या सरकार के पास ऐसा कुछ आंकड़ा है कि कितने मजदूर इस समय बिना काम के हैं और कितने उद्योग धंधे भी बंद हुए हैं इस नोटबंदी के फैसले के बाद? जो आपने प्रश्न पूछा है इसका हमें एहसास था और बहुत पहले से, जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके तत्काल बाद कुछ दिन के बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन से संबंधित जो लोग थे उनको हम लोगों ने बुलाया था, उनसे वार्ता पूरी हुई, घंटों उनसे चर्चा हुई, सबने डिमोनेटाइजेशन को का स्वागत किया, सबने कहा ये बहुत अच्छा है, थोड़ी बहुत दिक्कत जा सकती, उन्होंने कुछ सुझाव रखे थे, वो सुझाव भी हम लोगों ने लिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया, उसका लाभ भी हुआ है। ये ठीक है प्रारंभ में थोड़ी बहुत दिक्कत जा रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ें आती जा रही है, अब जैसे आपने मजदूरों की बात बताई, मजदूरों का भी पेमेंट अब धीरे धीरे उसी ढंग से डिजिटल तरीके से प्रारंभ हो गया है, तो गए थे फिर आ रहे हैं, मजदूर थे ठीक है उस समय नहीं काम रहा होगा चले गए होंगे, लेकिन अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ी जिसके कारण किसी प्रकार का रिएक्शन हुआ हो या जिसके कारण किसी ने किसी इस प्रकार की शिकायत की हो कि साहब हमारे यहाँ तो सब चले गए बड़ा ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है, इसलिए आंकड़ा का कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता। लोग गए होंगे आ गए, लोग पसंद कर रहे हैं कि जो काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, और पेमेंट भी जो छोटे उद्यमी हैं अपने उस माध्यम से कर रहे हैं जो डिजिटल आधार पर होता है, तो मुझे ये नहीं लगता कि उसके कारण कोई बहुत अधिक परेशानी गई होगी। बीच के काल में लोगों ने दुष्प्रचार करने का प्रयास किया था, थोड़ी बहुत दिक्कतें गई थी, नई चीज़ आती है थोड़ी बहुत दिक्कतें जाती है, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग थी, नहीं क्रमशः चीज़ें सिस्टमेटाइज होती जा रही हैं, मुझे लगता है कि अब उस प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। यस, दिस जेंटलमैन मंत्री महोदय,
पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि ढाई वर्ष में आपके मार्गदर्शन में मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरा एक थोड़ा सा शंका निवारण चाह रहा हूँ। उसमें आपने संबोधन में कहा था 1600 करोड़ रुपया, जबकि इसमें प्रेस विज्ञप्ति में दिया है 1900 करोड़ रुपया। अरे 1900 निकल गया वो सब 1900 ठीक। नमस्कार सर, मंत्री जी 1600 पिछले 1500 पिछले साल मंत्री जी, जीएसटी की अब डेडलाइन ज्यादा दूर नहीं है। ये जीएसटी कारोबार करने के तौर तरीके बड़े पैमाने पर बदलने वाला है। छोटे कारोबारी इसको लेकर क्लैरिटी चाहते हैं, रोड मैप चाहते हैं, किस तरह से उनको तैयारी करनी चाहिए, आप उन तक पहुंचने के लिए क्या करने जा रहे हैं ताकि स्थिति साफ हो और वो आगे बढ़ सकें। जैसे डिमोनेटाइजेशन को लेकर आप कैंप्स लगा रहे हैं, वैसे क्या योजना है जीएसटी पर? देखिए, जीएसटी के बारे में भी मीटिंग हमने ली थी और वो दिन भर हमारी मीटिंग चली थी। उसमें सभी प्रकार के लोग थे, इंडस्ट्री के भी थे, बैंक के भी थे, अन्य इंटरप्राइजेस के भी थे, और सबसे बात हुई, सबने सामान्य तौर पर जीएसटी की तारीफ की, सबने कहा ये बड़ा लाभकारी होगा। कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में उन्होंने कहा था, कुछ लिमिट के बारे में कहा था कि 20 लाख तक की होगी तो ऐसा हो सकता है। ये सारी चीज़ें फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे दी गई। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस संबंध में विचार करके जो भी लाभ हो सकता है इसलिए करने का प्रयास करेंगे, ये उनको जानकारी में दे दिया गया है। अब मुझे लगता है जीएसटी का फायदा होगा, सबने एक मत होकर इसको स्वीकार किया था। कुछ दिक्कतें थी जिसे मैं उल्लेख कर रहा हूँ, ये थी, उसका भी समाधान निकल जाएगा। गुरुजी इधर, गुरुजी प्रणाम। हाँ, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, आने वाला साल मंगलमय हो। मेरा सवाल यह है सर, मुद्रा बैंक को लेकर जो आपने कहा अभी, मुद्रा बैंक जब से ये आपका नोटबंदी का 8 नवंबर से आया है, सभी बैंक जो है मुद्रा बैंक के तहत जिनका लोन पास भी हुआ है, सभी कोई भी बैंक जो है उस पर काम नहीं कर रहे, और वहाँ जाने के बाद सीधा एक ही जवाब मिलता है कि भाई इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, अभी आप 30 दिसंबर तक वेट करिए। तो कहाँ तक ये उचित है कि नवंबर दिसंबर पूरा आपका बीत गया और जो लोगों का लोन पास था वो भी नहीं पाए, तो इस पर मंत्रालय क्या कर रहा है जो कि मंत्रालय के अधीन ही है? देखिए, मुद्रा जो है ये जब से शुरू हुई उसके बाद से जो बैंकों ने दिया लोगों को काफ़ी मात्रा में दिया है, मैंने स्वयं अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में दिलवाया। ये बात सही है कि जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि 2 महीने 3 महीने हर प्रकार की कठिनाई जा सकती है, तो कठिनाई जा रही है थोड़ी बहुत, क्योंकि बैंक, बात सही है कि लगातार इसमें लगे रहने के कारण वो जिस तरीके से चीज़ें हो सकती थी नहीं हो पाई है, तो इस बीच की कठिनाई रही है, वो फॉर द टाइम बीइंग है, आगे फिर ठीक हो जाएगी। और मुझे लगता है आगे फिर से अधिकाधिक मात्रा में उस मुद्रा का जो शिशु किशोर तरुण योजना के अंदर है 50,000 5 लाख 10 लाख वो फिर से चालू होगा और अच्छी तरीके से चलेगा। दैट इज इन कंटिन्यूएशन, निरंतरता के अंतर्गत है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सारे प्रोग्राम्स डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन तकरीबन यूएनओ के अकॉर्डिंग 28.7 करोड़ लोग अभी तक इलिटरेट हैं और कुछ लोग आधी तकरीबन हमारे 50% जनता इंटरनेट से वंचित है, तो कैसे डिजिटल प्रोग्राम को आप आगे ले जाएंगे? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, हम लोग तो गाँव में भी जाते हैं और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इतनी उत्कंठा है सीखने के लिए। जब से प्रधानमंत्री जी ने डिजिटाइजेशन का कहा है और आग्रह किया है लेस कैश है कैशलेस का, ये ठीक है, मैं ये नहीं मानता कि सब जो हो गया, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, आप कहीं भी जाकर पता कर लीजिए, इतना मैं कह सकता हूँ कि लोग बड़ी उत्सुकता के साथ उसको जानना चाहते हैं कि है क्या, इसे कैसे किया जा सकता है। लोग भी जानना चाहते हैं और दुकानदार भी करना चाहता है, उसको भी अगर ढंग से बताइए कैसे नहीं ऐसे हो रहा है, और कई स्थान पर स्वैप वाला तो चालू हो गया है, तो कोई चीज अगर घोषित की जाती है तो तत्काल हो जाएगा, तब से मेरी ये मान्यता नहीं है और किसी की भी मान्यता नहीं होगी, लेकिन क्रमशः बढ़ता जा रहा है, उत्कंठा बढ़ती जा रही है। लाख इतना खिलाफ विरोध करने के बाद भी आप मुझे बताइए ना, इतना विरोध किया गया है विरोधी दलों के द्वारा, कहीं आक्रोश आप दिखा दीजिए, कहीं नहीं हुआ,
इसका अर्थ यह है कि लोगों के अंदर उत्कंठा है, लोग जानना चाहते हैं, लोग समझ रहे हैं कि अगर इसको किया गया तो इसका लाभ ये हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कभी नहीं रही, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। वो परसेंटेज ठीक है, इतना परसेंट नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन बेपढ़े लिखे लोग अच्छे मैकेनिक्स भी होते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग तो नहीं दिया जाता, जानकारी रखते हैं, तो वो तो जानकारी दिलाने वाला, साथ में मिलकर कराने वाला जब रहता है तो चीजें होती हैं, लोग कर रहे हैं। मंत्री जी, आई एम हियर। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पे आपको जो बजट एलोकेटेड मनी दिया गया है उसमें आपने इट इज 8,88,000 मोर देन 8 लाख पर्सन्स को नौकरी मिला है। नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग बजट यू आर आस्किंग मोर मनी। हाँ जी, हम अधिक बजट की मांग कर रहे हैं, भेजा भी है और इसको और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जानकर प्रसन्न होंगे कि ये साल हमारा पहला साल रहा है एमएसएमई के क्षेत्र में, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि जितना पिछले बार बजट आवंटित था हमारा, पूरा का पूरा बजट का यूटिलाइजेशन हुआ है, 100% बजट का यूटिलाइजेशन हुआ है और इसको और हम बढ़ाकर मांग रहे हैं। हमने बजट बनाकर भेज भी दिया है, रिवाइज बजट भी, और जिसके बारे आपने ध्यान, चूंकि ये हमारा फोकस पॉइंट है, हमने स्लोगन दिया है स्वरोजगार, बेरोजगार से लेकर स्वरोजगार तक की यात्रा। ये स्लोगन के आधार पर जगह जगह छोटी इंडस्ट्री, जगह जगह उसमें काम करने वाले लोग, इनको तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो बजट आपने देखा ये ठीक है, इसको और हम आगे बढ़ाने का लिख कर दिए हैं। ठीक। हेलो सर। Sir, currently exports from the MSME sector constitute more than 40% of our overall exports. In this calendar year as well as in this financial year, MSME exports haven't been doing very well. I mean, they are billions of dollars in deficit. In the next year, at least in the calendar one, do you feel which sectors will do better, or if they will? देखे आपने export के बारे में, उसी बारे पूछा ना? ये वास्तव में एक्सपोर्ट जो कॉमर्स मंत्रालय के उसकी स्कीम है, उसके माध्यम से ही एक्सपोर्ट काम करते हैं, उसके जरिए से हम और अधिक से अधिक हम बढ़ा सकें, ये हमारी कोशिश है, उसकी निरंतरता बढ़ती रहे। हाँ, हम अपने उद्यमी को इनकरेज कर रहे हैं और उद्यमी को इनकरेज करने के लिए बाहर भी उनका प्रोडक्ट जाए, इसके लिए हम उनको बाहर भी भेजते हैं। बाहर भेजने के लिए उनको हम सब्सिडी देते हैं, पैसे सहयोग देते हैं। हमारी एक ऐसे योजना है इंटरनेशनल कोऑपरेशन सब्सिडी के आधार पर, उस योजना के आधार पर हम उनको पूरा पैसा देते हैं जाने का, और अपना प्रोडक्ट ले जाकर करें तो वहाँ माल देकर यहाँ से एक्सपोर्ट अधिक से अधिक हो, इस प्रकार का हमारा व्यवस्था है, उसके लिए हमारा प्रोत्साहन लगातार जारी है। Have been hit badly post demonetization. Reserve Bank has asked banks to increase the working capital limit for MSMEs. According to you, is this measure enough, or can we expect more measures for the benefit of MSMEs hit by demonetization? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये हमारे जो उद्यमी थे उनकी तरफ से भी आया है, और आपको जानकर प्रसन्नता होगी इसको हमने फाइनेंस को भेज दिया है। ये जो आप बता रही हैं वर्किंग कैपिटल में बढ़ोतरी हो, क्रेडिट उसमें बढ़ोतरी हो, इस दृष्टि से हमने फाइनेंस को भेज दिया है। मोस्ट प्रॉबली मुझे ऐसा लगता है कि हो जाना चाहिए। ये बोल दिया है सर बैंक्स को, RBI ने बोला है बैंक्स को इंक्रीज करने के लिए वर्किंग कैपिटल लिमिट। कैश बोला है। हाँ जी, उसको हम सिस्टमेटाइज करें, फॉर्मलाइज करें, ये हमारी कोशिश है। कुछ और भी आपने सुझाए हैं मेजर्स कुछ और MSMEs के? जो भेजा है उसको आपके बीच में भी करने की आवश्यकता नहीं जब तक पूरा का पूरा न आ जाए। लास्ट क्वेश्चन देर, लास्ट क्वेश्चन। आप तो शुरू से बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं, लेकिन आपका आंकड़ा
नहीं, ये 1560 वाला जो आपने कहा है कि अभी अभी तो ये पहले का ही है, आधा का है वो, और मुझे लगता है कि ये जो आप बताया है बड़ा नॉमिनल है, मुझे नहीं था, क्योंकि हमारे पास जो हमने दिए हैं, हाँ, ये जो फिगर है आपने जो कहा है 31 अक्टूबर तक की फिगर है जो 2016 की है, और मुझे लगता है कि बढ़ना चाहिए इसको। हाँ, तो फिर बढ़ेगा, वो इनिशिएटिव जो सारे लिए हैं इसी कारण बढ़ेगा। अभी इनिशिएटिव जो अभी दिया है आपके सामने, अभी जो पेश किया है, इसके कारण निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी अच्छा होगा और एंटरप्रेन्योरशिप भी अच्छी होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की बात है, क्योंकि पिछले बार कुछ बजट का भी आवंटन कम था, जिसमें कम की बात आप कह रहे हैं, इस बार जो हम कर रहे हैं, जो हमने ऑनलाइन किया है, हमने डायरेक्ट धन भी भेजा है, उस ऑनलाइन करने का प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत उसको हमें लाभ प्राप्त हुआ है। बैंकों को भी हम मॉनिटर कर रहे हैं, वो सेंक्शन लेने फिर उनको एम्प्लॉयमेंट प्रदान करें, मैंने स्वीकार करें, लोन स्वीकार करें, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम उसको पूर्ण कर लेंगे। I thank the Honorable Minister and other dignitaries on the dais. Friends, thank you for coming. And the Ministry has arranged lunch on the fourth floor. Please join us for the lunch. आप सब लोग खाने पर आइए, इसके लिए मेरा आग्रह है। सभी लोग रहें तो अच्छा होगा।